नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब? आज एक स्पेशल क्लास लगाइए और सैटरडे स्पेशल क्लास है, बहुत धमाकेदार क्लास होने वाली है ये। बच्चों आप लोग आईटीआई जिस भी ट्रेड से करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मैं आपको चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूँ दैट मीन सेफ्टी, आज मैं इसके पूरे पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने वाला हूं, लेकिन अभी आगे चल के ना मैं इसकी थ्योरी भी आपको पढ़ाऊंगा कभी किसी समय पे। तो आज मैं आपके सामने इसके 40 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, अलग अलग तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ एएलपी के क्वेश्चन है इसमें, कुछ बार्क के क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो आज आप इस क्लास को कंप्लीट कीजिए। मैं दावा करता हूं कि आप जिस भी ट्रेड के होंगे 75 में से कम आपको 5 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। एक और बात मैं बता दूं, इसके क्वेश्चन आपको बीएससीडी में भी देखने को मिलेंगे। बच्चों जो बीएससीडी है यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें भी एक चैप्टर है सेफ्टी, है ना, तो सेफ्टी के क्वेश्चन आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे, यानी अल्टीमेट अलग क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी थ्योरी भी होगी वो भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, है ना। तो पहले जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर ताकि हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर सके फटाफट। हाँ कपिल गौतम बस कंप्लीट होने वाला है, मैंने एप्लीकेशन पे ये भी अपलोड कर दिया है, थोड़ा सा समय दीजिए वो भी फिनिश हो जाएगा, है ना। चलो तो आगे बात करते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पे माई पाठशाला एप्लीकेशन पे बीएससीटी का कंप्लीट बैच चल रहा है, लगभग 2 या 3 चैप्टर इसके बचे हुए हैं और वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 399। बच्चों क्लास इसकी खास बात क्या है, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ मिलती है, आप देख लीजिए असाइनमेंट में, बायलैटरल कंटेंट और भी बहुत सारी खास बात इसमें। 360 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे वो भी मैं सॉल्व करूंगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप 6393-125-760 इस नंबर पे फोन कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं माई पाठशाला के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। ओके ऑफ है, चलो आप देख लो, टप टप करो जरा उस पे ऊपर, नहीं डेली ये रहता नहीं कर रहा है, कौन सा आप कर रहे हैं ना, उसको बोल दिया करिए चेक करके जाए करे हमेशा। चलिए तो ओके तो स्टार्ट किया जाए भाई, फिजिक्स का ऑल लेक्चर का कहां मिलेगा, यूट्यूब से। यूट्यूब पे सारे लेक्चर नहीं मिलेंगे, जो बात है हकीकत है, अगर आप यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो तो आप सारे लेक्चर की डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर को देख सकते हैं ना। फिजिक्स का जो कोर्स है वो 249 रुपए में, और फिजिक्स के कोर्स के साथ साथ आपको फिजिक्स की बुक भी मिलती है ना। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और कैदे में पढ़िए, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कैदे चल। बोला जा रहा है अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते समय निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब बच्चों ये देखिए ये कब पूछा गया है, ये आरआरबी एएलपी 23/1/2019 मतलब 23 जनवरी जो कि सीबीटी 2 हुआ था उसका क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए कि अगर आप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं तो इनमें से कौन सा कथन गलत है। बच्चों जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं जिसको आप एक और नाम से भी जानते हो फायर एक्सटिंग्यूशर, ध्यान रखना उसी को बोला जाता है फायर एक्सटिंग्यूशर। अरे फायर एक्सटिंग्यूशर क्या होता है, आपने कभी देखा पेट्रोल पंप में ऐसे CO2 गैस वाला रखा हुआ रहता है, आग लग जाती है फिस 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 कर देते, तो ध्यान रखना जो हमारे फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसका पहला स्टेप क्या होता है। बच्चों पहला स्टेप होता है पुल, मतलब आप पुल कीजिए, पिन को खींचिए, अब पिन को खींचने के बाद आपको निशाना लगाना होता है, लेकिन उन्होंने जो बोला है ना लैपटॉप के ऊपरी भाग में निशाना लगाना, बच्चों ये गलत है। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास आग ऐसे लगी हुई है, आग ऐसे लगी हुई है, तो आप ये बताइए आग को बुझाने के लिए आप कहां निशाना लगाओगे CO2 डैश का, तो कहना अगर CO2 डैश का निशाना आपने ऊपरी हिस्से पर लगाया तो निचले हिस्से तो आग जलती रह जाएगी, तो कभी भी जो निशाना लगाया जाता है आग बुझाने के लिए बच्चों वो हमेशा जो है जहां निचला हिस्सा होता है वहां पर CO2 डैश डाली जाती है और इसके बाद हमारी फायर गैस बुझ जाती है। ओके तो
आंसर किसके साथ जाना चाहिए? सर हैंडल को दबाना, ये एकदम सही है, समझना आराम से। लपटों के ऊपरी भाग पे निशाना लगाना, ये टोटली गलत है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। बोलो भाई, बात सबको क्लियर है ना? तो पहले का आंसर इन्होंने बोला था कि कौन सा पार्ट गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बताइए। स्टेट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? वैसे मैं बता दूं, अग्निशामक यंत्र को यूज करने का जो कह सकते हो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिसके स्टैंडर्ड तरीका होता है, उसको बोलते हैं पास। पास का पूरा नाम अभी मैं आगे चल के बताऊंगा। ये पास के थ्रू ही अग्निशामक यंत्र यूज किए जाते हैं। अगला सवाल जल्दी से बताइए, सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए? विच केमिकल इज यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। बड़ी अच्छी बात कही। देखो दो तरह के केमिकल बहुत पूछे जाते हैं, मैं बता दूं। एक तो पूछा जाता है कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और दूसरा होता है फोम टाइप। ध्यान रखना, टोटल एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो पांच तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? पांच तरह के। एक होता है सोडा एसिड, फोम टाइप, वाटर टाइप होता है, हरा वेट केमिकल होता है, टोटल पांच टाइप के होते हैं। लेकिन केमिकल का नाम ज्यादातर आपको दो में पूछेगा। सोडा एसिड की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों H2SO4 इस्तेमाल होता है। जबकि फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट मींस Al2SO4 का होल थ्राइज ये इस्तेमाल होता है। तो कहां पर कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, इसकी बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। वैसे ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर CO2 गैस दिया, और CO2 गैस है इसका आंसर गलत। CO2 गैस क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने बोला था कौन सा केमिकल यूज करते हैं। बच्चों केमिकल जो यूज किया जाता है वो CO2 गैस नहीं होता। CO2 गैस तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद बनता है। इन दोनों की रिएक्शन के बाद होता क्या है कि Na2SO4 बन जाता है, साथ साथ CO2 गैस बन जाती है, और थोड़ा सा H2O भी बनता है। तो केमिकल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यह क्वेश्चन है। इसीलिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बोलो भाई, सबको क्लियर है? एक बार थोड़ा सेशन को शेयर भी करते रहो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दिया है कि ये एक तरह का एक्सटिंग्विशर है, यानी अग्निशामक यंत्र है। बच्चों अग्निशामक यंत्र में क्या करते हैं कि सबसे पहले एक यहां सेफ्टी पिन लगी होती है, उस सेफ्टी पिन को ऐसे निकालते हैं, है ना, पुल करते हैं, जिसको बोलते हैं पुल करते हैं। सेफ्टी पिन को क्या करते हैं? पुल करते हैं। अब पुल करने के बाद इस हैंडल को दबाते हैं, और जैसे ही नीचे वाले हैंडल को दबाते हैं, और उसके बाद इस नोजल की सहायता से जहां पर आग लगी हुई है उस जगह पे कह सकते हो CO2 गैस का छिड़काव करते हैं। बोलिए तो ये तुम्हारा, और देखो केमिकल में कहीं नहीं लिखा कि CO2 गैस इस्तेमाल की जा रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर, बताइए जल्दी से बताइए उत्तर क्या होना चाहिए थर्ड का। सोनू साहू, पीरू, परमवीर, सुमन, क्या बात है, प्रवीण, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत, बच्चों ये सवाल देखिए ट्यूबवेल ऑपरेटर का आया हुआ सवाल है, और ऐसे सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं, सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, कुछ नहीं रहा। तो बोला जा रहा है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए, है ना। तो पहला आंसर है आराम करने के लिए कहना चाहिए, दूसरा है दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तीसरा है सहायता प्रदान करनी चाहिए, और चौथा है बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। अब आप खुद सोचो इस बात को, मान लीजिए किसी आदमी को चोट लग गई, तो क्या तुम उससे ये पूछ रहे हो और भाई बताओ कैसे हो, कैसी चोट लगी, का नहीं यार। सबसे पहला काम होगा कि उसको आप फर्स्ट एड दीजिए, सबसे पहला काम होता है कि आप उसको फर्स्ट एड दीजिए यानी सहायता प्रदान कीजिए, ओके। तो याद रखना जब भी कभी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के बाद सबसे पहला काम होता है कि आप उसको क्या दीजिए, फर्स्ट एड दीजिए। ये सब बच्चों देखो ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को तुम्हें समझना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये लीजिए, अब यहां से मैं आपको थोड़ा फायर के बारे में बता देता हूं कि फायर कितने तरह की होती है, ओके। सुनना ध्यान से, बोला जा रहा है कि क्लास बी की आग को नियंत्रित करने के लिए, मान लीजिए क्लास बी की आग है उसको नियंत्रित करने के लिए
किस तरह के अग्नि सामक का प्रयोग करते हैं। पानी का प्रयोग करोगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग करोगे, उड चिप्स का प्रयोग करोगे या फिर CO2 का। ये देखिए, ये तुम्हारा 2019 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ सवाल है बच्चों। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना फायर कितने तरह की होती है। तो याद कह रहा है जब भी कभी आपसे फायर पूछी जाए तो फायर का आपको बताना है टाइप 6 टाइप। देखो फायर होती है 6 तरह की, लेकिन फायर एक्सटिंग्यूशर कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। देखो फायर कौन कौन सी फायर होती है बच्चों? सबसे पहला होता है क्लास ए फायर, सेम तरीके से होता है क्लास बी फायर, इसके बाद होता है क्लास सी फायर, इसके बाद होता है क्लास डी फायर, और इसके बाद बच्चों होता है क्लास ई फायर। और क्लास ई फायर के बाद भी एक फायर और आता है जिसको हम बोलते हैं क्लास एफ फायर। 6 तरह की फायर होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब ध्यान सुनना, क्लास ए में क्या आता है? तो कहना क्लास ए में ज्यादातर ठोस ईंधन आते हैं। ठोस ईंधन कौन कौन से ठोस ईंधन हो सकते हैं? जैसे कि लकड़ी, जैसे कि कागज। तो ये जो लकड़ी, कागज, ठोस ईंधन है, कोयला, ये सब क्लास ए की फायर है। बच्चों क्लास बी की फायर में क्या आते हैं? तो क्लास बी के फायर में आते हैं द्रव ईंधन। सिर्फ द्रव नहीं बोल सकते, द्रव ईंधन बोलिए, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि डीजल, ये सब हमारे क्लास बी के फायर होते हैं। क्लास सी के फायर में क्या आता है? सर क्लास सी के फायर में आता है गैस ईंधन। गैस ईंधन सर, गैस ईंधन में क्या होता है? गैस ईंधन का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, जैसे कि हमारा एलपीजी हो गया, एक तरह की गैस है, मेथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो ये सब हमारे कह सकते हो क्लास सी फायर में आते हैं। तो आप पहले इसको ऐसे याद कर लो, एबीसी मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये तो याद हो जाना। अच्छा क्लास डी में क्या आता है? बच्चों कई बार क्या होता है, धातुएं भी ज्वलनशील हो जाती है। आप देखिए जब धातुओं को हम लोग भट्टी में जलाते हैं तो कह सकते हो बहुत तेजी से दहकती है ना, तो आप कह सकते हो ज्वलनशील धातु। कई बार हमारी धातुएं भी बहुत ज्यादा गर्म अवस्था में फायर का काम करती है, ज्वलनशील धातु जिसको बोलते हैं। क्लास ई में क्या आता है बच्चों? क्लास ई में आता है इलेक्ट्रिक फायर। कई बार आप देखिए हमारे जो सर्किट होते हैं तो उन सर्किट में भी आग लग जाती है हीट की वजह से। जैसे मान लीजिए तार में धारा बह रही है, आग लग जाती है, कई बार उसे इलेक्ट्रिक फायर कहते हैं। क्लास एफ में क्या होता है बच्चों? क्लास एफ में आता है कुकिंग ऑयल। अक्सर आप लोग देखते होंगे जब आप लोग सब्जी वब्जी बनाते हो या फिर आप जो है रायता छौंकते हो तेल में डाल के, तो तेल में जीरा वीरा डाला, हींग वींग डाली और जब छौंका लगाने जाते हैं तो अचानक से तेजी से तेल जलने लगता है। तो बच्चों तेल भी जलता है, तो तेल जलता है तो उसको बताइए क्या बोलते हैं? कुकिंग फायर बोलते हैं। बोले सर क्लास प्राइस 600 प्लीज, मैं समझे नहीं। अच्छा क्लास का प्राइस 600 रुपए, मैंने कहा ना आप इस नंबर पर फोन कर लीजिए, मैडम आपको खुद ही बता दे रही भाई। तो कितने तरह के फायर होते हैं? तो कह देना 6 तरह के फायर होते हैं। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, उन्होंने कहा कि क्लास बी के फायर को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों क्लास बी में द्रव आता है, मान लीजिए पेट्रोल कहीं पर जल रहा है, तो पेट्रोल को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए सोचिए। तो याद रखिएगा पेट्रोल को बुझाने के लिए हमें कभी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। क्यों नहीं करना भैया पानी का इस्तेमाल? बच्चों हमेशा याद रखना पेट्रोल और पानी हमेशा एक दूसरे से ऊपर नीचे रहते हैं। देखो पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए पानी नीचे होता है, पेट्रोल ऊपर होता है। तो मान लीजिए अगर तुमने पेट्रोल में पानी डाला भी तो पानी अपनी डेंसिटी की वजह से नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर रहेगा, आग जल्दी रहेगी। तो कभी भी ध्यान रखना हमें द्रव ईंधन में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल हमेशा वैद्युत सर्किट में करते हैं, वैद्युत परपथ में, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोला जाता है हैलोन। लकड़ी की चिप्स बेकूफ है क्या? लकड़ी की चिप्स क्यों डालेंगे यार? लकड़ी की चिप डालने से और जल जाएगा, CO2। यस तो बच्चों CO2 का इस्तेमाल ध्यान रखना हम लोग क्लास बी की फायर बुझाने के लिए करते हैं। आप देखिए पेट्रोल पंप में जब हम लोग देखते हैं तो वहां CO2 के सिलेंडर रखे होते हैं, और CO2 के सिलेंडर की वजह से ही हम लोग कह सकते हो फायर को बुझाते हैं। तो आंसर बताइए किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी के साथ। बोलो बच्चा बात सबको क्लियर है ना? हाँ। अब इसके बाद जो है ना ये टेबल को याद कर लो, क्योंकि ये टेबल सबसे खतरनाक टेबल है। देखो क्लास ए फायर,
क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, क्लास ई फायर, क्लास एफ फायर। पांच तरह के एक्सटिंग्विशर, वाटर, फोम, ड्राई पाउडर, CO2 और वेट केमिकल। थोड़ा सा इसका कलर भी याद कर लो, कई बार कलर भी पूछता है, मैं एक चीज बताऊंगा जो पूछी जाती है एग्जाम में। देखो, जो तुम्हारा वाटर एक्सटिंग्विशर होता है उसका जो कलर होता है पट्टी का वो रेड होता है, अरे फोम टाइप का जो है क्रीम होता है, या फिर इसको हल्का पीला भी कह सकते हो। ड्राई पाउडर का जो है नीला होता है एक्सटिंग्विशर का कलर, और CO2 का याद रखिएगा बच्चों काला होता है, ओके। और वेट केमिकल का ध्यान रखना पूरी तरह से पीला होता है। ये कलर कॉम्बिनेशन भी तुमसे एक नहीं कई कई बार पूछा गया, मैं फिर से बता दूं, पानी का लाल याद करो, फोम का फोम क्रीम टाइप का, ड्राई पाउडर का नीला होता है, CO2 का काला होता है, और लास्ट वाला वेट केमिकल का पीला होता है। ये कलर याद कर लो। अब देखो बच्चों, इसमें ना कौन सी चीज किसके बुझाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है और कौन सी चीज किसके बुझाने के लिए नहीं इस्तेमाल में लाई जाती, ये टेबल बताती है। जैसे कि वाटर का इस्तेमाल केवल और केवल क्लास ए फायर के लिए किया जाता है, वाटर का इस्तेमाल केवल और केवल क्लास ए के लिए। बाकी सब मत याद करो, सिर्फ ये याद करो कि किसका इस्तेमाल किसमें होता है, क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए, यानी लकड़ी कोयला इनमें आग लगी है पानी डाल दो, तो क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। फोम, फोम का इस्तेमाल क्लास ए और क्लास बी दोनों के लिए करते हैं, क्लास ए क्लास बी दोनों के लिए फोम। लेकिन ड्राई पाउडर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा में होता है, लेकिन कुकिंग ऑयल में ड्राई पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, कुकिंग ऑयल में ड्राई पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कई बार ये नुकसान कर जाता है बच्चों। हरा CO2 की बात करते हैं तो CO2 का इस्तेमाल क्लास बी में करते हैं, और देखिए इसके अलावा क्लास ई में करते हैं, ओके। वेट केमिकल, वेट केमिकल का इस्तेमाल हम लोग क्लास ए में करते हैं, और सबसे लास्ट वाला जो क्लास एफ है उसमें करते हैं बस। तो कहां पर कौन से इस्तेमाल करते ये याद कर लो। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। देखो, वाटर का इस्तेमाल क्लास ए के लिए, फोम का इस्तेमाल क्लास ए क्लास बी के लिए, ओके। और इसके अलावा अगर ड्राई पाउडर की बात कर रहे थे, सब में होता है लेकिन कुकिंग ऑयल में नहीं होता, और CO2 का जो इस्तेमाल है वो क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर में करते हैं। वेट केमिकल का इस्तेमाल क्लास ए और लास्ट वाला आप कह सकते हो कि कुकिंग ऑयल में करते हैं। ओके, बीएससीडी कितने दिन चलेगा? लगभग 5-6 दिन का सिलेबस और बाकी है बच्चा, वो खत्म हो जाएगा 5-6 दिन में। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? एक बार थम्स अप करके बता दो सब लोग हैं। चलो ये वाला सवाल देखिए, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या। ये डीएमआरसी मेंटेनर का है, वो सवाल है, सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, ना एक कुछ इधर ना उधर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ो, इससे बाहर ट्रेड में आता भी नहीं है कुछ भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीटीसी? बताइए सीटीसी का पूरा नाम क्या है? बच्चों याद रखना, जो तुम्हारे क्लास ई फायर होते हैं, क्लास ई फायर जिसमें क्या आते हैं तो कह देना इसमें आते हैं वैद्युत उपकरण। बच्चों क्लास ई फायर को बुझाने के लिए हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं सीटीसी का, मेनली इस्तेमाल करते हैं सीटीसी का। सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों इसको कई बार एक और नाम से भी जाना जाता है, वो भी आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसको कई बार हम लोग हेलोन भी कहते हैं। तो सीटीसी का पूरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का दूसरा नाम हेलोन है। वैद्युत उपकरण स्पेशली, इसके अलावा और कुछ नहीं बताना, सीटीसी का इस्तेमाल सिर्फ वैद्युत उपकरण को उजाने में भी करते। अवसर मारे हरा, ओके, लगभग सबका आंसर सही था बच्चा, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे, माई पाठशाला के एप्लीकेशन पे इन सारे के सारे ट्रेड का बैच चल रहा है, तो जिन भी बच्चों ने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, नंबर सामने ऊपर लिखा हुआ है, आप ट्रेड के बैच को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सवाल है ट्यूब बेयर ऑपरेटर में आया हुआ सवाल है, 12/1/2019 में, सारे मैंने प्रीवियस ईयर लिए। बताइए आंसर, क्लास डी आग को बुझाने के लिए, क्लास डी आग को बुझाने के लिए इनमें से बताइए किस तरह के रसायन का उपयोग करते हैं जिसमें दहनशील धातु मैग्नीशियम। अच्छा क्लास डी में क्या आता है याद करो, क्लास डी में आता है ज्वलनशील धातुएं। तो ज्वलनशील धातुएं अगर बात करते हैं तो मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, इस फायर को बुझाना है तो बताइए क्लास डी टी फायर का सितारा क्या है? पीला सितारा है, लाल वर्ड है, हरा त्रिभुज है, नीला वर्ण है, ओके। 5 दिन में एलपी का सिलेबस कंप्लीट कहा रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई साहब, 5 दिन में बेसिक साइंस का सिलेबस कंप्लीट होगा, 70-80% हो चुका है, क्या सुन रहे हो यार। चलो डायग्राम देखिए,
बच्चों जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके सिंबल कई बार ऐसे भी लिखे होते हैं। ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल दिया था अमेरिकन पद्धति के अनुसार, ये अमेरिकन सिस्टम है। बच्चों अमेरिकन सिस्टम में ध्यान रखना, जो हमारा क्लास ए टाइप का फायर है उसको बुझाने के लिए हरा त्रिभुज, ऐसे ही आंसर आएगा कि क्लास ए के फायर को बुझाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो कह देना उसका सिंबल होता है हरा त्रिभुज। क्लास बी के फायर को बुझाना है बच्चों तो लाल, ध्यान से सुनना, लाल वर्ग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाल वर्ग। और क्लास सी के फायर को बुझाने के लिए ध्यान रखना नीला वृत्त होता है, ऐसे ही लिखा होगा आपको ऑप्शन में। और पीला सितारा, क्लास डी के लिए पीला सितारा। और क्लास के लिए बात करते हैं, क्लास के लिए बताइए क्या है, तो कह देना काला हेक्साडोनल या काला षटभुज। अब बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर जब आपने टाइप्स ऑफ फायर पढ़ाया था तब क्लास के तो पढ़ाया नहीं था। बच्चों मैंने जो अभी आपको फायर पढ़ाया, देखो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको फायर पढ़ाया ये सारा फायर, ओके, यही आपका स्टैंडर्ड है, ये है ऑस्ट्रेलियन पद्धति के अनुसार, ये किसके पद्धति के अनुसार है, ऑस्ट्रेलियन। और याद रखिएगा यहां पर जो आपके इमेज बनाए गए हैं ये है अमेरिकन सिस्टम के अनुसार। अमेरिकन सिस्टम ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब यह कि क्लास ए में तो सॉलिड रखा, ठोस रखा, ध्यान से सुनना, अमेरिकन सिस्टम में। क्लास बी में इन्होंने क्या किया, सर क्लास बी में इन्होंने तेल यानी लिक्विड वाला रख दिया, द्रव वाला। और क्लास सी में इन्होंने इलेक्ट्रिकल फायर रख दिए, क्लास डी में कंबशन मेटल रख दिया, और क्लास के में किचन फायर रखा। लेकिन हम लोग इसको नहीं पढ़ते, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है तो मुझे बता रहा है बच्चों, है ना। तो क्लास डी फायर बोला है और ऑप्शन देखिए, पीला सितारा, लाल वर्ड, हरा त्रिभुज, नीलम, तो मेरे माइंड में जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन वही का है, हरा। तो इसका सही आंसर जाएगा पीला सितारे के साथ। याद रखिएगा क्लास डी का फायर जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन है वो पीला सितारा है, देखो। क्लास के काला हेक्साडोनल, क्लास सी नीला सर्कल, लाल वर्ड और हरा त्रिभुज। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना, तो याद कर लेना, ये सब याद करने वाले टॉपिक है, मैं पहले बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए उत्तर क्या कहना चाहोगे इस सवाल का आंसर, बताइए। बोला जा रहा है कि यदि पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो कुछ चीजों को आपको जानना चाहिए, उनमें शामिल है क्या, शामिल है मान लीजिए भविष्य में कभी आप फायर ब्रिगेड में शामिल हो गए, मतलब आपको आग बुझाने का काम दे दिया गया कि भाई आपको आग बुझाना है, डीजल मैकेनिक का सिलेबस राज यादव लगभग चढ़ेगा बच्चा 150 घंटे के आसपास, अरे तो आपको आग बुझाने का काम दे दिया गया तो आपको ट्रेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि बिना ट्रेनिंग के आपको कह दिया लो बेटा आग बुझा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो पहला लिखा है वो किस प्रकार की आपको बुझाने के लिए, हाँ बिल्कुल ये तो जानना जरूरी है भाई, जब फायर कहीं लगती है और फायर ब्रिगेड वालों के पास फोन आता है कि भाई मेरी आग लग गई है, तो पूछता है ना आग जो है कहां से लगी है, बिजली सर्किट से लगी है कि जो है क्या बोलते हैं किचन से लगी है, कैसे लगी है फायर, तो ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की फायर है, ओके। अग्निशामक यंत्रों को उपयोग करने की रणनीतियां, ये भी एकदम क्लियर है बच्चों, ये भी उसको जानना चाहिए। और अग्निशामक यंत्रों का स्थान, पता चले कि आपने सब कुछ देख लिया, तुम्हें एंड टाइम पर पता नहीं चल रहा कि हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रखा कहां है, CO2 वाला कहां रखा है, फोम टाइप कहां रखा है, तो इसका मतलब यह कि तुम्हारे चक्कर में तो लकड़ी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। सर एएलपी के बैच में फिटर ट्रेड का थ्योरी सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर नहीं है, जीके मंडल चैप्टर है, वीडियो अपलोड नहीं है, आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना, मैंने आज थ्योरी में पढ़ा दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, बताइए जल्दी से उत्तर, फटाफट पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। संपीड़ित गैसों के प्रज्वलन से होने वाली आग से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों संपीड़ित गैसों का क्या मतलब है यहां पर, तो कहना संपीड़ित गैसों का मतलब है एलपीजी। तो बोला जा रहा है कि अगर एलपीजी को प्रज्वलित होने से बचाना है, यानी एलपीजी में आग लगने से बचाना है, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। संपीड़ित गैस का मतलब एलपीजी है ना, तो आरपीएफ में साइंस कैसी आएगी, लगभग 50 क्वेश्चन आरपीएफ में आते हैं,
उसमें से 20 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने बताया ना जीके मंडल, आज मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आज रात तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला है सभी सिलेंडर को सीधा दीवार में सुरक्षित करते, एकदम सही। पहली बात तो सीधा कीजिए और दीवार के पास खड़ा कीजिए, एकदम सही है बच्चों। जब गैसों का भंडारण, परिवहन या उपयोग किया जाता है तो सिलेंडर को कभी ना खींचे, सिलेंडर को कभी नहीं खींचना चाहिए, यह बात एकदम सही लिखी हुई है। कई बार क्या होता है कि सिलेंडर को खींचने की वजह से घर्षण आता है और घर्षण की वजह से आग लग सकती है। अगला देखिए सी, आवश्यकता अनुसार दबाव राहत उपकरणों को संशोधित या बदले, मतलब जब आपको जरूरत पड़े तो आप प्रेशर रिलीविंग डिवाइस को बदल दे, यह गलत है बच्चों। आप मुझे बताइए एलपीजी के सिलेंडर में कौन सा प्रेशर गेज लगा होता है? कोई प्रेशर गेज लगा होता है क्या? नहीं ना, बताओ एलपीजी के सिलेंडर में क्या कोई प्रेशर गेज लगा होता है? नहीं लगा होता। इसका मतलब सर ये वाला पार्ट गलत है, इसीलिए सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ ए और बी। ए और बी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, ट्रेड के क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सोच समझ के लगाने होते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरे भाई, है। जैसे कि वाला सवाल देखिए, बताइए आपको आप किसका किसका संयोजन, ये इसरो में आया हुआ सवाल है, ये देखिए। हर तरह के मैंने क्वेश्चन ले लिए जो भी बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का बैच है, हाँ शिव पंजन है, मैं नहीं लेता हूं, उसकी क्लास देवेंद्र सर लेते हैं, आप इस नंबर पे फोन करके उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत खतरनाक पढ़ा रहे भाई साहब, मशीन सबसे खतरनाक है उनका, सबसे ज्यादा बच्चे जो फोन करते हैं वो इसीलिए फोन करते हैं कि मशीन उनका बहुत अच्छा है। अब होगा कोई मशीन, मुझे नहीं पता मशीन असीन कुछ होगा। सवाल देखिए, आग किसका संयोजन है? बच्चों जब भी तभी हमें आग बनानी होती है तो आग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है ईंधन, ओके। ईंधन के बाद हमें चाहिए होता ऑक्सीजन और प्लस चाहिए होता है चिंगारी। कई बार हम लोग चिंगारी को ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं, हीट के नाम से भी जानते हैं, है ना। आप सोचो आपके पास ईंधन है, ऑक्सीजन है, चिंगारी नहीं है। जैसे कि आपको एलपीजी में गैस लगानी है, गैस आग जलानी है एलपीजी में, तो माचिस जलाओगे ना? बिना माचिस जलाए हुए बताओ क्या आग लग सकती है? नहीं ना। तो ये तीनों चीजें का होना आवश्यक है, तो ईंधन, हीट, ऑक्सीजन, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। हरा बोलो बच्चा, बात का तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, ये एएलपी 23 शिफ्ट 1 का सवाल है। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर, हाँ विद्युत परपथ में अगर आग लग गई तो बताइए। मुझे आपका खतरनाक लगता है पढ़ाई का, अच्छा धन्यवाद। चलो तो बताइए, विद्युत परपथ में आग लग गई है तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? ये कमेंट मैं सबका पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने बता रखा है क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। बस पीरू कह रहे हैं ए, जिंदनी कह रहे हैं ए, मानिट ऑफिशियल कह रहे हैं ए, हाँ देखिए क्या बात है, यही होता है सही तरीका। बच्चों अगर विद्युत परपथ में आग लग गई है तो हम लोग हमेशा वहां हैलोन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसी को बोलते हैं सीटीसी। अच्छा पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहना सर एक बात बताओ, विद्युत सर्किट में आग लगी है तुम पानी डालोगे? मतलब ये तो बेतुकी की हद हो गई, करंट लगाना चाहते हो क्या? है क्या मुझे मार डालोगे? नहीं ना, कोई रसायन भी नहीं डालना, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हैलोन, हैलोन का मतलब सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, इनकी क्लास कल, इनका भी बैच चलता है एप्लीकेशन पे, माई पार्ट्स वाले एप्लीकेशन पे, तो कोई बच्चा हो तो आप इनके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कल शाम 7 बजे इनकी एक मैराथन है, संडे शाम 7 बजे, तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड क्लास करना चाहते हैं तो, ठीक है। विवेक चौहान, मैं तुम्हारा कमेंट डेली पढ़ता हूं दोस्त, कैसी बात कर रहा हूं। ये लीजिए अगला सवाल पढ़िए, ये शिफ्ट सेकंड में आया हुआ सवाल है, एएलपी फिटर 23/8/2019 शिफ्ट सेकंड। मैंने बताया हर शिफ्ट में लगभग सवाल आता है, ओके। कृष्णा, रियल, विवेक, शैलेंद्र, आकाश, आशीष, वेरी गुड। थोड़ा एक बार सेशन को दबा के पहले शेयर कीजिए, जल्दी से 100+ हो जाए, और जरूर अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए। सवाल देखिए क्या है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग द्रव के कारण आग लगने के लिए करते हैं? मतलब सीधे सीधे बात इन्होंने पूछी कि आप मुझे बताओ कि द्रव के कारण किस अग्निशामक में आग लगती है या कौन सी फायर है। हाँ
बताइए। तो बच्चों क्लास ए, क्लास ए का मतलब होता है ठोस, क्लास बी मतलब द्रव, और क्लास सी मतलब गैस, बताइए। और क्लास डी का मतलब होता है ज्वलनशील धातु। ओके, तो इन्होंने क्या पूछा था, द्रव के लिए पूछा था, तो आंसर तुम्हारा क्लास बी के साथ जाएगा, आंसर क्लास बी के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। हाँ, ये एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए विद्युत उपकरण में लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है, आंसर दीजिए। यह भी सिर्फ सेकंड में आगे सवाल है, विद्युत परपथ में लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है, कैदे में पढ़िएगा, देखना है कितना आंसर आता है, क्लास बी क्लास बी क्लास बी। चलो 12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विद्युत परपथ में लगी हुई आग किस श्रेणी में आती है, सब कुछ क्लियर है ना, है सब कुछ चटाचट है। क्लास बी किस में आता है, बच्चों द्रव में आता है, क्लास सी किस में आता है, गैस में आता है, और क्लास डी किस में आता है, तो कह देना सर ये इसमें आती है ज्वलनशील धातु। लेकिन क्लास ई में क्या आता है, तो कह देना इसमें आते हैं सर वैद्युत परपथ, तो वैद्युत परपथ में लगी ई आग क्लास ई में आती है। और क्लास ई की आग को बुझाने के लिए एक ही केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम है सीटीसी, और इसी को हम लोग जानते हैं बच्चों हैलोन के नाम से, सीटीसी या फिर हैलोन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए पीपीई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपीई। पीपीई का नाम सुना, पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है जो हमारे खुद की सुरक्षा करता है। देखो होता क्या है ना कि कई बार आपको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाना चाहिए, अभी कोविड आया था तो आपका जो मास्क था ना वो भी एक तरह का पीपीई था। आप जब कंपनी में जाते हो तो आप जूते पहन के जाते हो ताकि टील वील ना अंदर लग जाए, हेलमेट पहनते हो सर ना फूट जाए, और मास्क लगाते हो, तो ये सारे के सारे बताइए हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे पीपीई हैं, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी कंपनी में कोई चीज मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है, जैसे कि आप हॉस्पिटल जाइए तो मास्क एकदम जरूरी है, कंपनी में जाइए तो जूते एकदम जरूरी है, समझो बात को, पहाड़ों में काम कीजिए या ऊंचाइयों में काम कीजिए तो हेलमेट हमेशा जरूरी होता है, वो एक अलग बात है कि कहीं पर कोई चीज मैंडेटरी हो जाती है, लेकिन ये सारे के सारे हमारे पीपीई हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आंसर दीजिए जल्दी, मेटल्स कम्स अंडर विच क्लास ऑफ फायर, धातु बताइए किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, आंसर दीजिए। रवि रंजन जीते मंडल, वेरी गुड सर, फिटर ट्रेड में एबीसीडी ही ग्रुप दिया गया है, मैं समझा नहीं अभी बात को, मैं अभी समझा नहीं। अमित शर्मा, शिव शंकर, सुनील, वेरी गुड, क्या बात है। हाँ हाँ, तो बच्चों धातु के लिए इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं रिवीजन मानना हो तो रिवीजन मान लीजिए, क्लास ए में क्या आता है ठोस आता है, क्लास बी में क्या आता है द्रव आता है, और क्लास सी में क्या आता है गैस आता है। लेकिन जो ज्वलनशील धातु होती है वो तुम्हारी आती है बच्चों क्लास डी में, है ना, क्लास डी में ज्वलनशील धातु, अवसरवटी, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, फटाफट जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हैलोन सामा किसके साथ भरे होते हैं, हैलोन सामा किसके साथ भरे होते हैं, हैलोन जल्दी बताइए, पानी के साथ भरे होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के साथ भरे होते हैं, एलपीजी जिसको बोलते हैं, टेरोसिन के साथ भरे होते हैं, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड के साथ। फिटर ट्रेड बुक में चार ही ग्रुप दिया गया है, हाँ मैंने कहा ना कुछ किताब में जो स्टैंडर्ड है वो चार है, लेकिन बच्चा पांचवा है छठवा है, पढ़ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, और बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे बताइए। मुझे पता है कि फिटर की जो स्टैंडर्ड बुक है उसमें चार ही है, तो बच्चों हैलोन ये किसको बोलते हैं, तो कह देना हैलोन बोला जाता है सीटीसी को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बोलते हैं, फॉर्मूला दा रखना इसका होता है बच्चों CCl4, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, डी वाले उत्तर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लड़ाई जरा जल्दी से पढ़िए, 16 नंबर मैचिंग का, आइए देखते कितने बच्चे इसकी मैचिंग करते हैं, ठीक है बताइए। बोला जा रहा है सूची वन सूची टू टाइप्स ऑफ फायर फ्यूल, आपको यह बताना है एबीसीडी, एबीसीडी में क्या आते हैं, फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, मजा नहीं आ रही, अभी भी हम 100+ नहीं पहुंचे यार,
बड़ी दुख की बात है, मैंने सोचा कि यार ट्रेड की क्लास है, वो भी सारे के सारे आईटीआई का कॉमन ट्रेड है, कम से कम 100+ होना चाहिए, है ना। तो एक बार सेशन को शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक ठोक दीजिए। क्लास ए बी सी डी, बच्चों क्लास ए में क्या आता है? ठोस, है ना। तो ठोस क्या है? धातु है, लकड़ी। देखो धातु को नहीं कह सकते, लकड़ी को कह सकते। क्लास बी लिक्विड, लिक्विड है तो लिक्विड है ज्वलनशील द्रव, देख लीजिए 4। क्लास सी गैस और द्रवीकृत गैस, ये हमारा पहला। और क्लास डी में तुम्हारा आ जाएगा बच्चों धातु है। बताओ तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। ये देखिए 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये तो वही बात हो गई, फायर के प्रकार है और कुछ नहीं है, है ना। ये मैंने अभी पढ़ाई दी आपको, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। बताइए इसरो डीजल मैकेनिक। अच्छा मैंने कहा ना ये जो पार्ट है ना ये हर ट्रेड में आता है। अब देख रहे हैं जरा, कभी मेंटेनर में आ रहा है, कभी डीजल मैकेनिक में आ रहा है, हर तरह की ट्रेड में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए बोला जा रहा है कि द हीट एनर्जी रिलीज्ड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। बताइए किसके द्वारा जो है? सर कल का मोशन, अच्छा क्वेश्चन, क्लास लगाइए क्वेश्चन का। ठीक है दोस्त बच्चों, एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? तो कह देना एनीमोमीटर से नापा जाता है हवा की गति। ओके ऊर्जा मीटर ये एनर्जी मापता है, थर्मोमीटर से नापा जाता है टेम्परेचर। लेकिन इन्होंने बोला ऊष्मा, बच्चों ऊष्मा का मेजरमेंट करते हैं कैलोरी मीटर की सहायता से, ऊष्मा का मेजरमेंट करते हैं कैलोरी मीटर की सहायता से। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास कोई लकड़ी है और लकड़ी का मैंने कहा कि जो कैलोरी मान है, कैलोरी मान वो लिखा हुआ है 2000 किलो जूल पर केजी। मतलब यह है कि 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाइए तो 1 किलोग्राम लकड़ी को जलाने से 2000 किलो जूल की ऊर्जा बच्चों बन रही। इसी को मापता है, यानी ऊष्मा, ऊष्मा बोलिए, ऊर्जा भी नहीं बोलिए, ऊष्मा बोलिए। तो ऊष्मा को मापने का काम कैलोरी मीटर करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना। ओके कुणाल बसक, आप पहले बात को समझो, आरएसी ट्रेड हो कोई भी ट्रेड हो उसका जो पार्ट ए होता है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो कॉमन है, समझो बात को। और वो कॉमन एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, तो उसको पढ़िए ना। ठीक है चलो सवाल देखिए, ये आईओएफ फिटर 2014 का आया हुआ सवाल है। गैस से लदी हुई आग को निम्न में से किससे बुझाया जा सकता है? बताओ गैस से लदी हुई आग, अब थोड़ा कायदे में पढ़ना नहीं तो गलत हो जाएगा। गोविंद इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की कल संडे शाम 7 बजे मैराथन है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की कल संडे शाम 7 बजे मैराथन है। तो कल आज आप कल आप आपके क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, है ना। बोला जा रहा है कि गैस से लदी हुई आग को बताइए किसके द्वारा बुझा सकते हैं। अब मुझे पता है कि इसमें 99% लोग गलत करेंगे, 99% लोग गलत करेंगे, मुझे पता है। बताइए गैस से लगी हुई आग को किस से बुझा सकते हैं? और गैस से लगी हुई आग का मतलब है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर को बताइए हम किससे बुझा सकते हैं, सोचिए। ठीक है तो पहला लिखा है ड्राई पाउडर, अगला लिखा है सीटीसी पानी द्वारा। बच्चों एक बात बताओ, सीटीसी का यूज हम लोग केवल और केवल वैद्युत सर्किट में करते हैं, समझो। पानी का यूज सिर्फ और सिर्फ ठोस ईंधन के लिए करते हैं और किसी लिए करते नहीं है। तो आप ऑल ऑफ दीज क्यों दे रहे थे? मैंने देखा तो बहुत सारे लगते ऑल ऑफ दीज कह रहे थे, नहीं यार इसका सही आंसर जाएगा ड्राई पाउडर। अवसर नंबर है, ठीक है ना। तो आप पहले बात को समझो नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। डी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे भी सवाल आते घुमा फिरा के भी आते। ये देखिए आरआरबी अजमेर का आया हुआ सवाल है और 2004 का सवाल है, थोड़ा पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, हमारे काम का है। क्योंकि जो एग्जाम में आ गया है वो भाई साहब हमारा या तो जीजा है या तो फूफा है, बहुत सीधी सी बात है, इसका सम्मान कीजिए। सवाल देखिए क्या है, सोडा एसिड एक्सटेंड्यूशर में बताइए किस तरह की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडा एसिड एक्सटेंड्यूशर बताओ। ओके तो सोडा एसिड एक्सटेंड्यूशर, देखो मैं आपको बता दूं, अगर कोई पूछे कि ये सोडा एसिड एक्सटेंड्यूशर में भरा क्या होता है तो कह देना भरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ आपको बताना है H2SO4। फाइनली बनता क्या है? तो फाइनली बनता है CO2 गैस और इसी का इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने में।
तो बच्चों याद करो, मैंने कहा था कि जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, डीजल वगैरह होते हैं, यानी क्लास बी की जो फायर होती है उसको बुझाने के लिए हम लोग CO2 एक्सटेंड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। तो सही आंसर CO2 के साथ जाना, सी के ऑप्शन नंबर सी के साथ। अच्छा, कुछ लोग इसका ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, क्लास ए। कैसी बात कर रहे हो यार, क्लास ए के लिए मैंने स्पेशली बताया था पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्लास बी इसका सही आंसर होना चाहिए। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है ना, गलती मत कीजिए। चलिए अब थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग मास्ट वास्ट कर ले, कुछ सिंबल के कर ले, कुछ साइन के कर ले। जैसे लिखा हुआ है, जहर के खतरे को दिखाने के लिए कौन सा संकेत उपयुक्त होता है, यह सवाल देखिए कहां आया है, बताओ आंसर दीजिए। जहर के खतरे को बताने के लिए इनमें से कौन सा संकेत उपयुक्त होता है, सारे के सारे सिंबल अभी मैं बताता हूं। देखो ये सर, ये तो देखिए मास्ट है, ओके, ये क्या है सर, ये है फर्स्ट एड, ये क्या है सर, ये फायर है। और याद रखना बच्चों, जहर का जो खतरा होता है जिसको आप बोलते हैं टॉक्सिक, उसका सिंबल इस तरीके से होता है। अच्छा, सब लोग ए दे रहे हैं, अरे भाई ये मास्ट लगाए है, ये जहर का खतरा थोड़ी ना है जो ए लगा रहे हो। अरे यार ठीक है, तो ऑप्शन यार बी तेरा जा रहा है। कुछ इमेजेस आपके सामने हैं, मैं देखिए दिखा दूं आपको, जो आपको याद करनी है, बनी तो बहुत सारी है लेकिन सारी मत याद कीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता दूं। देखो सबसे पहले हेल्थ हैजार्ड, हेल्थ हैजार्ड का सिंबल ये, यानी जहां पर आपके स्वास्थ्य का खतरा हो सकता है वहां ये सिंबल होना। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, इसका सिंबल होता है बच्चों ये, ओके। इसके अलावा एक और चीज याद करनी है, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का सिंबल ये, ओके। हार्मफुल इस तरीके से दिखाया जाता है जो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक होता है, तो आप लोगों को, और एक्सप्लोसिव ऐसे, तो ये जितने मैंने आपको अभी सिंबल बताए यही सिंबल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और इसी सिंबल को आपको याद करना है ना। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है ना, जल्दी बताइए क्लियर है ना, तो क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो, 2004 का सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, पुराना है परंतु मेरा है। सर आरपीएफ के क्वेश्चन करवा दो, शाहरुख खान कह रहे हैं। बच्चों आरपीएफ के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, है ना, बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन पहले तो हम जो कर रहे हैं उसी को अच्छे से कर ले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21, बोला ही जा रहा है कि चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है, आंसर दीजिए। इंजीनियर SSK क्या कह रहे हैं, सर कोई ट्रिक बता दे। बच्चों ट्रिक के लिए आप एक, आप देखो यार पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे हैं, अरे थ्योरी चल रही होती तो मैं तो उसको बहुत सारी चीजें याद कराता। अरे जैसे कि ये वाला सिंबल देखिए क्या है, इसमें ना कह सकते हो कि जो निशान है ये निशान होता है निषेध, यानी जहां पर जाना ही नहीं है। अब ये कैसे याद करते हैं सर, आप ऐसा समझो कि लाल रंग में, मैं लाल कलर यूज कर लेता हूं, आप ऐसा समझो लाल रंग में जो चीज आपको करनी ही नहीं है, जो चीज आपको नहीं करनी, तो लाल रंग में ऐसे काट देते हैं, निषेध है, मना है, धोखे से इसको मत करिएगा। जैसे कि कई बार देखिए मंदिर के सामने यहां जूता लगा होगा और कह दिया जाएगा जूता निषेध है, समझो बात को, बेल्ट बनी होगी कह देगा बेल्ट निषेध है। तो कई सारी जगह पर जो चीज नहीं जरूरी होती है, हमें नहीं लेके जाना है, उसे ऐसे लाल रंग यानी खतरे के निशान पे ही बनाते दिखाते हैं, ओके। ये लीजिए कुछ सिंबल आपके सामने है, कहां गया वो सिंबल यार, अच्छा ये, पहले इसको समझो यार, याले डायग्राम को समझो, नहीं तो याले डायग्राम नहीं समझ पाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ये देखिए, ये आप पहले डायग्राम को थोड़ा समझो, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है इसलिए डायरेक्ट याद कीजिए। सर फिटर ट्रेड की क्लास कब हो रहा है, एप्लीकेशन पे चल रही है, कब क्या हो रहा है यार, एप्लीकेशन से नहीं जुड़े थे आप? और हाँ, यूट्यूब पे केवल जो है ऐसी क्लास चलेगी, केवल क्वेश्चन, आप अगर कंप्लीट बैच चाहते हो तो माई पर्सनल एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर लीजिए। और ये रहा नंबर, सुनो ध्यान से बच्चो, देखो इन्होंने बोला हुआ है निषेध, प्रोहिबिशन, तो याद रखना जो निषेध होता है ना वो ऐसे लाल रंग में ऐसे क्रॉस किया जाता है, लाल सर्कल में क्रॉस किया जाता है, जो जो जरूरी नहीं है, है ना।
बिहार पुलिसटा चलाइए, अमरेंद्र बिहार पुलिसटा भी यूट्यूब पे चले रहे दूसरे चैनल पे, बहुत जल्दी। वार्निंग, वार्निंग का मतलब ये हो गया कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। आप इसको कई बार खतरे किस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे पीला होता है, पीले में बीच में हमारा सिंबल बना होता है, जैसे कि आग का सिंबल बना दिया तो वार्निंग, आग की वार्निंग, आगे आग है, है ना। इसी तरीके से यहां शेर बना दिया तो आगे शेर है। बच्चों मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब जो चीज जरूरी होती है वो होना ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो मैंडेटरी को क्या करते हैं कि नीले सर्कल में दिखाते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में जाइए तो कंपनी में जूता जरूरी होता है, आप बिना जूते के एंट्री नहीं कर सकते, तो यहां जूता बना देने मैंडेटरी हो गया, है ना। इंफॉर्मेशन, बच्चों इंफॉर्मेशन का मतलब है चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इस तरीके से हरा आयत होता है, इस तरीके से हरा आयत होता है और उसी में लिखा होता है वो इंफॉर्मेशन। इधर नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बच्चों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, पहले सुन लीजिए दो मिनट। देखो आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा बिहार टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इन दोनों एग्जाम की तैयारी के लिए एक स्पेशली नया यूट्यूब चैनल खोल दिया गया है माई पाठशाला की तरफ से। उस नए चैनल का नाम है माई पाठशाला राजस्थान, माई पाठशाला स्टेट एग्जाम। माई पाठशाला स्टेट एग्जाम आप YouTube चैनल को सर्च कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोनों की क्लासे मंडे से वहां पर चलने वाली है ना। चलो तो ये सब याद हो रही है ना, तो इसका सही आंसर सबको समझ में आ गया होगा, और चीजें भी याद कर लो क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट बहुत है। अब जैसे कि आला सवाल आ गया, ये लीजिए, आप जल्दी से मुझे बताइए इस सवाल का क्या आंसर सही होना चाहिए। विराट स्टीन फिटर 2015 में आया सवाल है, 22वां नंबर, बताइए। अब तो आंसर दे पाओगे, बताइए। शिव शंकर, विवेक चौहान, सारोट, बेसिक साइंस के क्वेश्चन। हाँ वो भी क्वेश्चन हो गया, समय समय पे सारी चीजें करनी होती है, ऐसा नहीं है। चलो बताओ चित्र में जो सिंबल दिखाया गया वो कैसा है। बच्चों त्रिभुज पीला है, पीला त्रिभुज, और अंदर देखिए वो सिंबल है जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो बच्चों यहां आग जल रही है, आप देखो, तो ये चेतावनी है, वार्निंग संकेत है। बैनिटेक्ट्री नीले में होता है, प्रोहिबिशन लाल में होता है, इंफॉर्मेशन हरे में होता है, समझे ना, सब बातें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, बताइए क्या कहना चाहेगी जनता। अब क्या कहती है जनता, और बताओ जल्दी से, कितना आंसर होना चाहिए। हो गया भाई साहब 100, क्या बात है। एक बार थोड़ा दबा दे और फिर कीजिए। चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ड में आता है, बताओ। चित्र में दिखाया गया चिन्ह किस वर्ड में आता है। देखिए ये क्या बना हुआ है, सर ये नीला वृत्त है, और नीले वृत्त के अंदर देखिए जूता बना है, इसका मतलब क्या है। सर जूता बना होने का मतलब यह हुआ कि यह मैंडेटरी है, आपको अंदर जूता पहन के आना है, जूता एकदम जरूरी है। तो अवसर मत इसके साथ जाएगा, सर ये जाएगा मैंडेटरी साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए। अब याला क्वेश्चन जो बंदा बताया ना, मैं समझ जाऊंगा हां उसने सही पढ़ा है। आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव लिस्ट, आप बताओ कलर है, सिंबल है, कौन सा कलर किससे मैच करता है। कुणाल बसक, विवेक, शिव शंकर, जिंदरी, पीरू, सुभाष, आशीष कुमार, वेरी गुड, क्या बात है। तो एक बार सेशन में यार सब लोग फिर से शेयर करो, जल्दी से पहले एक बार सेशन को शेयर कीजिए ताकि हम लोग फटाफट जल्दी से 100 प्लस हो जाए। जल्दी से शेयर कीजिए, बताइए लाल पीला हरा नीला ये सब क्या है। अच्छा सबसे आंसर देखो तेज आया पीरू का, पीरू ने दिया ऑप्शन नंबर ए, सुमन मंडल ए, विवेक चौहान ए, और कोई है मानित ऑफिशियल ए, रूपन ने भी ए दिया है, जिंदगी हिंदी गुरु जी। अरे यार इसमें क्या हिंदी, थोड़ी बहुत तो हिंदी है यार। देखो लाल, लाल मतलब खतरा, मतलब प्रोहिबिशन निषेध, ओके। हरा, हरा मतलब आगे बढ़ जाओ, इंफॉर्मेशन, ओके। ब्लू, ब्लू मतलब मैंडेटरी, नीला था, और येलो, येलो मतलब वार्निंग। 3-1-2-4, बिल्कुल एकदम सही आंसर जा रहा, 3-1-2-4 के साथ, अवसर नंबर ए के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके। तो बच्चों माई पाठशाला एप्लीकेशन पे एलपी टेक्नीशियन का फाउंडेशन बैच भी है, अगर आप पूरा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं या किसी भी तरह के बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए
और कूपन कोड लगाइए UOD10 जिससे भी आपको डिस्काउंट के साथ वो बैच ज्वाइन हो जाएगा। कोई डाउट हो नंबर सामने लिखा हुआ है आपके, उसमें फोन करिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने, आप विश्वास मानो मैं दिल से आपको ये बात बोलता हूं, मैं चाहता तो कैसे भी उल्टे सीधे सवाल ला सकता था, लेकिन आपने थोड़ा गौर नहीं किया। मैंने पैटर्न से क्वेश्चन लाए, सबसे पहले मैंने आपको जनरल बातें बताई सेफ्टी की, फिर मैंने फायर के क्वेश्चन लेके आया, फिर मैंने मैंडेटरी प्रोहिबिशन यानी जो सांकेतिक भाषा थी उसके क्वेश्चन लाया, और फिर देखिए मैं आपको आप 5S टेक्निक स्टेट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। बिहार पुलिस स्टेट क्वेश्चन अपारे लेवल से पूछा जाता है। आप नहीं, मैं समझा नहीं क्या कह रहा हूं दोस्त। चलो यार सवाल देखिए, 5S टेक्निक ये किस देश में हुआ? बच्चों 5S टेक्निक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब लगभग द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पे परमाणु बम गिराए गए थे, तो जापान को उबरने के लिए केवल एक ही सहारा था उसके पास, और वो था आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उसने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ना पूरी दुनिया को 5S टेक्निक दी। आज भी देखिए जैपनीज लोग इतने खतरनाक होते हैं, खतरनाक ना बोलकर हम बोले कि जैपनीज लोग जो होते हैं वो अपने काम में बड़े परफेक्ट होते हैं, मतलब कोई भी काम ना शायद डबल और ट्रिपल इफिशियंसी के साथ करते हैं, है ना। अच्छा जैपनीज और चाइनीज दिखते जैसे लेकिन होते नहीं है, चाइनीज सारे फ्रॉड होते हैं। मतलब अगर उनको लगेगा कि तुम याला फोन जो है कोई स्मार्टर 20 रुपए में बना रहा हो तो 10 रुपए बना के तैयार कर देंगे, भले ही वो चाहे 2 दिन ना चले, है ना। तो याद रखिएगा ये जो 5S टेक्निक है ये देने वाला कौन सा देश था, तो कह देना ये जापान था। लेकिन अभी भी प्रश्न ये उठता है कि ये 5S टेक्निक है क्या, ये 5S टेक्निक है क्या? तो बच्चों मैं 5S टेक्निक को बता रहा हूं, हाँ मैं वही नाम लिख रहा हूं बच्चा, वो नाम लिख रहा हूं। देखो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि इससे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है, इसलिए कायदे में समझना। देखो जापान ने अपनी भाषा में ये कहा कि देखो हम आपको 5S टेक्निक बता रहे हैं 5S, और जापान ने कहा कि भैया 5 तरह के एस है और 5ों एस का इन्होंने मतलब बताया। देखो इन्होंने कहा कि सबसे पहला एस होगा सीरी। बच्चों ये जो सीरी मैं वर्ड लिख रहा हूं ना ये जैपनीज वर्ड है, सीरी सीसोन सीसो, हाँ देखो सीरी सीसोन सीसो, आप कहोगे कि गुरु जी जापानी पढ़ाने लगे, सीरी सुसोन सीसो। और उसके बाद अगला वर्ड है सी टेत्सु, और इसके बाद अगला है सित सुटे। ओके तो 5 तरह के इन्होंने वर्ड दिए, ये बच्चों जापानीज वर्ड है। फिर इसका इंग्लिश में भी मतलब बताया। तो मेरे भाई कई बार क्या होता है ना कि पहले एस्टा हिंदी में भी मतलब पूछा जाता है, और पहले एस्टा इंग्लिश में भी, और पहले एस्टा जापानीज में भी। तो आपको हर एक चीज का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं पहले बता दूं किसी भी वर्ड में पूछा जा सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं जापानीज में, पहले सुनिए जापानीज में वो जो 5S है ना, तो पहले एस्टा मतलब होता ऐसे याद करो, सीरी सीसोन सीसो, सीरी सुसोन सीसो, सीरी सीसोन सीसो, सी टेट सुटे सित सुटे। ओके तो ऐसे धारा अपना ही कितने तरह के वर्ड हो गए 5, लाइन से याद कीजिए एकदम लाइन से। बच्चों आप देखो पहले वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले वर्ड का मतलब होता है सीरी, सीरी मतलब सॉर्ट आउट, जो भी वस्तु आपको चाहिए उसको सॉर्ट आउट कर लो, हिंदी में बोलते हैं सही चयन करना, या फिर आपको वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है छाटना, छाटना। ओके सही चयन करना यह छाटना, आपने सारी वस्तु को छाट लिया। बच्चों सारी वस्तु को छाट लिया उसके बाद सेट इन ऑर्डर, उसे व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे कि आपके घरों में मान लीजिए, ऐसे समझो आपके घरों में महीने भर का राशन आया, चना आए, दाल आई, मूंगफली आई, हैं शक्कर आई, तो सबसे पहले क्या होता है सॉर्ट आउट, छाटा जाता है भाई कहां है चीनी, कहां है शक्कर, कहां है मूंगफली, कहां है दाल, फिर क्या किया जाता है सेट इन ऑर्डर, सही से व्यवस्थित किया जाता है। अरे बोलो सही से व्यवस्थित किया जाता है। फिर स्वच्छता, यानी उससे जो है ना स्वच्छता क्लियर हो जाती है, और स्वच्छता क्लियर करने का मतलब यही है कि जो वस्तु जहां से उठाइए वहीं पर रखिए। चीनी, तुमने सामान आया रख दिया सेट इन ऑर्डर, अब चीनी अगर चाय में डाल दी है तो चीनी को चीनी की जगह पर रखिए, चाय की पत्ती को डाल दिए चाय की पत्ती को चाय की पत्ती, यानी क्लीन कीजिए, साइन स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण भी कर दीजिए। मतलब ये है कि चीनी का डिब्बा तुम्हें ढूंढना ना पड़े, पता चले हाँ चीनी यही है तो यही है,
और सस्टेन अनुशासन, अनुशासन जरूरी है। वह अनुशासन का भी मतलब यही है कि जहां पर जो चीज है वहीं पर वो चीज रखी हो जानी चाहिए, है ना। तो सॉर्ट आउट, अब इंग्लिश में सुनिए, सॉर्ट आउट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, सस्टेन, हिंदी में तो मतलब सबको पता ही होगा। ठीक है, चंचल कुमार साथ आ रहे हैं कि पूछ रही, समझ में आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ रहा बच्चा, ये सब याद करने वाली चीजें हैं, एक बार आप ट्राई मारो ना याद हो। हाँ, ये सब चीजें ना आईटीआई वालों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, जो डिप्लोमा और बीटेक वाले होंगे। कौन सा बच्चा? चंचल, चंचल तुम मुझे ये बताओ, तुम डिप्लोमा या बीटेक हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम डिप्लोमा या बीटेक हो, क्योंकि तुमने ये वर्ड शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन जो आईटीआई वाले होंगे उन्होंने जरूर सुने होंगे, श्योर एकदम। चलिए आगे देखिए, अब याले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये देखिए, आरआरबी इलाहाबाद में आया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन है, 23/5/2004 में आया हुआ सवाल है, थोड़ा पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, हमारा है। चलिए आंसर दीजिए, बताओ जापानी शब्द सीरी का समकक्ष क्या है? आंसर दीजिए, सीरी ना बताइए समकक्ष वर्ड क्या है, याद है ना, सीरी सीसोन सीसो, सीरी सीसोन सीसो, सी टेट सुटे सित सुटे। तो बच्चों सीरी सबसे पहला वर्ड है, सीरी सबसे पहला वर्ड है, यानी सॉर्ट आउट, छाटिए, फिर सेट इन ऑर्डर। ओके, तो इसका सही आंसर जाएगा सॉर्ट आउट, सॉर्ट इन आउट लिखा है, सॉर्ट आउट कीजिए, बात तो वही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ आंसर दीजिए जल्दी से, ये इस ट्रेड में हुआ सवाल है। अच्छा, मजा आ रही नहीं आ रही है? ईमानदारी के साथ बताओ, क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ट्रेड क्या क्वेश्चन है, और धीरे धीरे मैं सारी ट्रेड देखिए क्वेश्चन यहां लाऊंगा, लेकिन आपको अगर कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है, जैसे कि इसका पूरा बेसिक पढ़ना है एकदम, तो आप माय पाठशाल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बोलो जरा, 5 स्टेपनीट में किस्टार्थ आवश्यक चीजों का क्रम व्यवस्थित करने में है, बताओ। अब देखो, इन्होंने कहा व्यवस्थित करण बताइए, अरेंजमेंट बताइए, समझ रहे हैं ना बात को, और जैपनीज वर्ड पूछा जा रहा है। हाँ, तो याद है सीरी सीसोन सीसो, सीरी का मतलब क्या होता है, एक बार बोलो, पहले सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, सीरी सीसोन सीसो, सीरी का मतलब क्या है सर? सॉर्ट आउट। सीसोन का मतलब क्या है? सेट इन ऑर्डर। और सीसो, सीरी सीसोन सीसो, साइन। फिर अगला वाला एस स्टैंडर्डाइजेशन, अगला वाला एस सस्टेन। तो कह सकते हो व्यवस्थित करना यानी सेट इन ऑर्डर करना, ये सीसोन होता है। ये क्या होता है सर? ये सीसोन होता है। ठीक है बच्चा, ये तो सवाल देखो, ये 2004 में आया हुआ सवाल है, ये देखो। अब 2018 में जानबूझ तो नहीं लिख सकता, लेकिन जो लिखा हुआ है वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 दे दिए, बताइए उत्तर फटाफट पढ़िए। आरपीएफ में नहीं आया रहा बच्चा, आरपीएफ में थोड़ी ना ये क्वेश्चन आएगा यार। चलो बताइए, निम्न में से क्या 5S तकनीक को लागू करने का लाभ नहीं है? 5S तकनीक, बच्चों 5S तकनीक को पूरे दुनिया को देने वाला देश था जापान। तो कहा जा रहा है कि इसका लाभ क्या नहीं है? तो पहला पॉइंट लिखा है इंप्रूव वर्क एफिशिएंसी, ये तो है, वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी यार अगर साफ सफाई रखोगे तो। स्टैंडर्डाइजेशन करना ये भी है, वर्क डिसिप्लिन को इंप्रूव करना ये भी है। टू क्रिएट अ डल्टी प्लेस, गलत बच्चों। अगर आपने 5S टेक्निक को यूज किया तो उसमें याद करिए तीसरे एस का मतलब था साइन यानी क्लीन। ओके, तो डल्टी वर्क पीस गलत है सर, 5S टेक्निक को यूज करने का ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए फटाफट पढ़िए, ये यूपीआई वाले फिटर का सवाल। अब तो आप सब आंसर दे जाओगे यार, अब तो आप दे दोगे सारे क्वेश्चन के आंसर। हिंदी में रहता तो कुछ बोल देते, अरे तो तुम हिंदी में याद करो ना, तुमसे कहा किसने कहा जापान में याद करो? अरे सीरी सीसोन सीसो हिंदी में ही तो याद कर रहे हैं हम भी, बताओ। स्तंभों का मिलान कीजिए और बताइए कि इनमें से क्या किसमें जाएगा, बताओ ऐसा दीजिए। कोई बात रही पीरू विवेक, अच्छा जितने भी बच्चे नए हैं मुझे एक बार थम्स अप करके बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है।
अगला कौन सा चैप्टर चाहते हो बता देना, मैं उसकी क्लास भी लगा दूंगा। बच्चों लाल का मतलब तो निषेध होता है, ये पूरी दुनिया को पता है। तीसरा नंबर पीला, ये वार्निंग होती है। नीला मैंडेटरी होता है। बच्चों हरा जो होता है वो एक तरह की सूचना होती है, तो इमरजेंसी स्टेप भी एक तरह की सूचना ही तो है। बताओ इमरजेंसी स्टेप भी तो एक तरह की सूचना है। 3, 1, 2, 4 इस सवाल का सही आंसर 3, 1, 2, 4। चलो ये उसका डायग्राम है, मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु जी आपका क्लास लेना है, कैसे ले? कुंदन जी इस नंबर पे फोन कर लीजिए, 6393125760। और सारे के सारे बच्चों को माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं सभी ट्रेड के चैप्टर वाइज क्वेश्चन के पीडीएफ एकदम फ्री वो भी एप्लीकेशन पे डालने वाला हूं बहुत जल्दी। बताओ सर मैं नया स्टूडेंट हूं, कोई बात नहीं दोस्त, आंसर दीजिए। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हुए पास्ट का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने बताया ना, ये जो हमारा अग्निशामक यंत्र होते हैं यानी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है पास्ट टेक्निक का मतलब क्या होता है? बच्चों पास में पहला पास होता है पुल, पुल पुल का मतलब होता है सेफ्टी पिन को पुल कीजिए, एक सेफ्टी पिन लगी होती है उसको पुल करना होता है। फिर एम निशाना लगाइए, निशाना लगाइए जहां पर आपको आग बुझानी है। स्ट्वेज, स्ट्वेज का मतलब उससे निकलने दीजिए वो जो CO2 है। स्वीप, स्वीप मतलब स्वीप कर दीजिए, साफ कर दीजिए। आज की क्लास में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? तो बच्चों ये जो पास्ट टेक्निक है, इसी पास्ट टेक्निक को यूज किया जाता है जब हमें अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना होता है। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों ये भी ट्रेड स्टार्ट है, एप्लीकेशन पे हीट इंजन डीजल मैकेनिक REC ट्रैक्टर मैकेनिक। बच्चों इसका पार्ट ए स्टार्ट है, मतलब जो जनरल ट्रेड का पार्ट होता है वो स्टार्ट है, और बहुत जल्दी मैं इसमें ऑटोमोबाइल भी स्टार्ट करूंगा, तब आपको सारी की सारी ट्रेड अलग अलग तरीके से मिल जाएगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए उत्तर। सर अनुराग सर की क्लास में वॉइस आपके जितना टोन नहीं होता है। अब यार ये तो मुझे नहीं पता है, मैं एक बार बोल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़िया बताइए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आवासी आग का सामान्य कारण नहीं है? ये देखिए नहीं 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 शिव नायक आगे क्लास है, अभी कंप्यूटर बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगा, है ना? हाँ दोस्त आगे ए, ए, आज तो नहीं कल आ जाएगा, आज मैंने सेफ्टी रिपोर्ट कर दिया, आप सेफ्टी मिल जाएगा, कल कंप्यूटर मिल जाएगा। शिवराज बोला जा रहा है कि कौन सा आवासीय आग का सामान्य कारण नहीं है। बच्चों आवासीय आग जो आपके आसपास लगती है, आपके आसपास स्मोकिंग से आग लग सकती है, कुकिंग एक्सीडेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल से भी आग लग सकती है। आप बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी आपने फेंक दी, और मान लीजिए बीड़ी पीने के बाद आपने सूखी फसल में बीड़ी फेंक दी, तो जब सूखी फसल में बीड़ी फेंक दी आग लग जाएगी। अरे कुकिंग एक्सीडेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन ये जो अर्थ ट्वीट है ना, ये आवासीय आग का कारण नहीं हो सकता। आप बताओ आपका जो अर्थ ट्वीट है, भूकंप के झटके उससे क्या आवासीय आग लग सकती है? नहीं ना। तो बोला जा रहा है कि कौन आवासीय आग का कारण नहीं है। चलो आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर बताइए उत्तर। BSED का बुक आएगा क्या सर? जब लगभग 1 महीने के आसपास BSED का बुक आ जाएगा दोस्त। ओके आंसर दीजिए सर, ग्रुप डी वाला सब करवा दिए क्या? उसमें बायोलॉजी बस बचा है, वो भी मैं करा दूंगा दोस्त। हाँ वो भी मैं करा दूंगा। अरे बायोलॉजी की यार PDF अभी तैयार हो रही है यार, हम लोग आपने देखा तो इतने अच्छे ढंग से मैंने सारी PDF दी है, थोड़ा सा समय लगता है बस PDF को देने में, वो भी हम लोग दे देंगे। फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन यूज करते हैं? मैंने आपको बताया था कि फोम टाइप अग्निशामक में NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, डेट मींस Al2SO4 का होल थ्राइज, बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाला मत टिक कर देना, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, एक्चुअली में वो सी है ना। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ये लीजिए। एक और फुल फॉर्म आपके सामने आ गया, बताइए आंसर दीजिए।
ओके शिवराज, मैंने आपकी बात मान ली है और बात तो करते हैं यार, लेकिन हर तरफ से सपोर्ट जब नहीं मिलता है ना तो वही समझ में नहीं आता है, तो बच्चों की तरफ से सपोर्ट भी नहीं मिलता और दो चार मैं टीचर को फोन भी करता हूँ तो वो भी थोड़ा बिजी है अपने अपने कामों में, क्योंकि ज्यादातर लोग SSC पढ़ा रहे हैं और शायद मैं ही अकेला ऐसा टीचर और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ रेलवे को ध्यान दिए है। मैं फोन करता हूँ बहुत सारे टीचरों को तो उनको लगता है कि सर उनकी SSC की क्लासें चल रही है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आग बुझाने के लिए या आग के मामले में हम लोग तीन चरणों का इस्तेमाल करते हैं या सही क्रम बताइए। बच्चों जब भी कभी कहीं पर आग लग जाए, जब भी कभी आग लग जाए तो लग जाने के बाद हम लोग एक चरण का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं पास तो हो चुका ना, रेस। रेस का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, रेस। बच्चों देखो जब भी कभी आग लगती है कहीं पर तो सबसे पहले हमें रेस यानी आर से रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब होता है जो भी आदमी वहां फंसे हुए हैं, रेस्क्यू का मतलब खुद भाग जाना नहीं होता। मान लीजिए मैं आपको बुझाने वाला हूं और मैं सबसे पहले भाग जाऊं, नहीं, रेस्क्यू का मतलब होता है बच्चों कि जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं, जो उस बात की नॉलेज नहीं है जिनको, जिन्हें आग बुझाना नहीं जानता है, यानी जो भी यात्री हो सकते हैं वो किसी तरह के कैसे तो जनता हो सकती है, तो आम जनता को बाहर निकालना उसे रेस्क्यू कहते हैं। तो सबसे पहले रेस्क्यू कीजिए। दूसरा अलार्म, सर अलार्म बजाइए, रेस्क्यू पे ध्यान दे दिया, अलार्म बजाइए। कंटेन, कंटेन का मतलब होता है कि जहां पर आग लगी है उसको चारों तरफ से बंद कर दीजिए। बच्चों बंद करने के बाद क्या होता है ना, आग जल्दी फैलती नहीं है, बंद कर दिया ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग फैलेगी नहीं, और फिर एक्सटेंड्यूशन लेकर आके एक्सटेंड्यूशन से आग को बुझाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा बच्चों, रेस सही वर्ड होता है, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन और एक्सटेंड्यूशन। हाँ बोलो, ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, समझिए और जल्दी बताइए। सेल बुटारो स्टील प्लांट 2016 का सवाल है, आंसर दीजिए। सर आरपीएफ के लिए क्या पढ़ू साइंस में, आरपीएफ के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा यार साइंस। सर कुछ टीचर तो केवल YT पर बैच बेचने आते हैं, ठीक है दोस्त, अब क्या मतलब उसमें मैं बोलूं, है कि नहीं। रसोई की आग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों मान लीजिए कहीं पर रसोई की आग लगने वाली है तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ज्वलनशील वस्तुओं को ताप स्रोत से दूर रखें, तेल की आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करें, टोटली गलत। तेल में लगी हुई आग कभी भी पानी से नहीं बुझानी चाहिए, कभी बुझेगी नहीं। खाना पकाते समय किचन को खुला छोड़ दे, छोटी आग पर बेकिंग सोडा डाले नहीं। सबसे जो सही तरीका मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए ही नजर आ रहा है कि ज्वलनशील वस्तुओं को ताप स्रोत से दूर रखें। देखो अक्सर आपका ऐसा होता है, याद करिए कि जहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, मान लीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक स्विच लगे हुए थे बच्चों, वहां पर हम लोग कभी सिलेंडर नहीं लगते। सुना है ना ये बात, जहां पर कहीं इलेक्ट्रिक स्विच लगे होते हैं वहां सिलेंडर नहीं लगते। क्यों? क्योंकि सिलेंडर हो गए ज्वलनशील वस्तु और इलेक्ट्रिक स्विच से हमें ताप मिल जाएगा, हीट मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक है, बाकी दूसरा तो पूरी तरह से गलत, बी आंसर। सी आंसर थोड़ा सही है लेकिन उतनी ज्यादा सटीकता नहीं है जितनी ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताओ क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर। आंसर दीजिए, थोड़ा एक बार सेशन को लाइट वाइट करते रहो भाई, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट से जल्दी से एक बार शेयर भी कर दो। आंसर दीजिए, हो रहा, तीन चार दिन का समय दीजिए, बायोलॉजी का PDF भी अपलोड हो रहा है ना। बोला जा रहा है कि सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या उपयोग करते हैं? बच्चों सांस से संबंधित सुरक्षा करनी है, एग्जॉस्ट फैन इस्तेमाल कर दो। नहीं भाई, एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल गर्मी बाहर निकालने के लिए करते हैं, सीलिंग फैन नहीं, फिल्टर रेस्पिरेटर जिसको आप मास्क भी कहते हो। तो अगर आप सांस से संबंधी समस्या है तो ऑप्शन नंबर सी, पीरू ऑप्शन नंबर ए कैसे हो सकता है बताओ? एग्जॉस्ट फैन तो गर्मी बाहर निकालने के लिए करते है ना, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सांस संबंधी सुरक्षा के लिए आपको फिल्टर रेस्पिरेटर इस्तेमाल करना चाहिए जिसको आप मास्क भी बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर दीजिए जल्दी से। बताओ
आंसर जल्दी से दो और बताइए इस सवाल का सही आंसर जाना चाहिए क्या। रेस का बताइए संक्षिप्त रूप क्या है, रेस का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये तो मैंने अभी पढ़ा है ना कि जहां कहीं भी आग लगती है तो वहां पर हम लोग रेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अजय ने बोला है रेस का संक्षिप्त रूप क्या है। हरा देखो रेस का मतलब वो नहीं होता यार, रन अलर्ट कवर, एक बच्चा ये कह रहा रन भागो अलर्ट हो जाओ कवर करो स्टेप करो, मतलब सी आंसर पता किसने दिया था, असुर राज, असुर राज तुमने सी आंसर दिया था यार, कैसी बात है। सी आंसर पता है क्या कह रहा है, भागो अलर्ट हो जाओ कवर करो फिर भागो, क्या ऐसा है नहीं सर। ऑप्शन नंबर ए रेस्क्यू, पहले जो फंसे हुए आदमी उसको बाहर निकालो आराम बजाओ। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब भी वही हुआ, कंटेन कंट्रोल एक ही चीज है, आग को कंट्रोल करो चारों तरफ से बंद कर दो उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, ए वाले उत्तर के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 37, आंसर दीजिए जल्दी से 37 पढ़िए। सर मुझे भी अब लगने लगा है रेलवे से प्यार कर, नहीं दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना सिर्फ पढ़ाई कीजिए, मैंने कभी नहीं आपसे कहा कि सिर्फ रेलवे एग्जाम की तैयारी कीजिए। देखो मैथ साइंस रीजनिंग हर जगह आती है, मैंने हमेशा ये बोला है कि आप सारे एग्जाम के फॉर्म भरिए और सारे एग्जाम की तैयारी कीजिए, बात समझे ना। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो बताइए क्या करना चाहिए। सबसे पहला है जितनी जल्दी हो सके बाहर भागो, ये लो एक अलग सीन चल रहा है। मान लीजिए ये रहा चिंटू और चिंटू के कपड़ों में आग लग गई है, आग लग गई, तो बच्चों ये जितना तेज भागेगा ना उतना तेज ऑक्सीजन मिलेगी इसको, और ऑक्सीजन मिलेगी उतना तेज जलेगा, तो बकवास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या, रुको जमीन पर गिरो और लट्टों को बुझाने के लिए रोल करो। हा हा सर यही तो सही है, हरा ये सही है कि रुको लट्टो, देखो जब आप जमीन पे रोल करोगे ना तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद आग बुझ जाएगी। पानी के पास जंप इनटू द नियर बॉडी ऑफ अ वाटर, पानी में कूदो, कपड़े उतारो, अरे यार तुम जितनी देर में कपड़े उतारोगे उससे पहले यारा काम हो चुका होगा। और एक बच्चा अगर ये सोच रहा है कि पानी में कूदो, अरे मैं कह रहा हूं कि वहां पानी ना हो तो क्या पानी के पास भाग के जाओगे, सोचो। या फिर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हें जब आग लगेगी तो पानी के किनारे ही आग लगेगी, नहीं ना। तो रिंकू, रिंकू गुर्जर कह रहा है सी, अरे रिंकू मुझे ये बताओ तुम मान लो शहर के बीचों बीच हो, वहां पानी कहां से लाओगे, तो पानी लेने के लिए भागोगे क्या, नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि रुको जमीन पर गिरो और लिपट जाओ, ओके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए ये फर्स्ट एड का सवाल है, सांप काटने पर क्या प्रथम चिकित्सा होनी चाहिए, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। अरे आप तो सांप काट ले तो बताइए फर्स्ट एड क्या होना चाहिए, आंसर जल्दी दीजिए। क्या बात है, मजा आ रही लेती आज की क्लास में यार, हर सैटरडे ना मैं सोच रहा हूं ट्रेड वेट की कोई बढ़िया क्लास लेके आए पढ़ू आपके लिए है। चलिए बताइए सांप अगर आपको काट ले तो क्या करना चाहिए। मान लीजिए एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, बताओ एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, ये लीजिए ये महिला का पैर हो गया और इस महिला के पैर को एक बिच्छू ने काट लिया, तो क्या करना चाहिए, घाव में पानी डालना चाहिए। बकवास, क्या पानी डालने से कुछ होगा क्या, हद है यार, पानी को डालोगे, घाव में एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। एंटीसेप्टिक मतलब जैसे कि डिटोल, तुम्हें यहां सांप ने काट लिया और तुम उसमें डिटोल लगाओगे, अरे भाई कोई टीड़ा वीड़ा थोड़ी ना है, कोई जो है क्या बोलते हैं वहां पर फंडस थोड़ी ना हो रहा जो डिटोल लगाओगे। हरा घाव को रगड़िए, रगड़ने से क्या मिलेगा, फर्जी नहीं चीज है, कह देना इसका आंसर तो यार हम अपनी फिल्मों में देखते थे, ना किसी आदमी को सांप ने काट लिया फिर रात भर उसकी प्रेमिका चूस चूस के जहर निकालती है, कपड़ा बांधती है, है ना, खून को बाहर निकालती है। तो बच्चों ध्यान रखना चूसना वाला सिस्टम दिलाते, वो फिल्मों में था, चूसना वाला सिस्टम नहीं बताना, है ना। तो घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए, बिल्कुल एकदम सही है, ताकि जहर पूरे खून में ना फैले, और खून को बाहर निकालना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जहरीला खून बाहर निकल जाए, ओके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, यही इसका सबसे पहला फर्स्ट एड है।
अरे बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिए, क्या बात है, मजा आ रही भाई साहब। सर मेरा ट्रे का क्वेश्चन बहुत कम बनता है, प्रत्युष पढ़ते रहिए, बनेगा दोस्त, बनेगा बनेगा बनेगा, है ना। बोला जा रहा है कि श्रेणी बी की आठ कौन सी है, बताओ श्रेणी बी, आपको पहले पता है नहीं पता क्लास बी में क्या होता है। हाँ देखो बहुत सारी थ्योरी आज मैंने बताई है, आप लोग रोटो ध्यान रखिएगा, क्लास बी में क्या आता है सर, द्रव आता है, द्रव ईंधन आता है, द्रव ईंधन आता है, तो क्या जाएगा आंसर, तेल पेट्रोल और आदि, ओके। बाकी तो और कोई आंसर ही नहीं लगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन, बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या होना चाहिए, और इस आंसर का आप लोग मुझे होमवर्क में आंसर बताएंगे, यानी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट रेडियो बताएंगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है, ओके। और देखेंगे मैं अगली क्लास में उस बच्चे का नाम भी पढ़ूंगा कि जिस बच्चे ने इस सवाल का एकदम सही और सटीक आंसर दिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, है ना। तो बच्चों आज मैंने बहुत ट्रेड की क्लास इसलिए ली क्योंकि आपको ट्रेड के क्वेश्चन आने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं, और ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी क्लासें आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे फुल डिटेल के साथ मिलेगी। देखो मैं आपको बहुत सीधी सी बात बता दूं, ये जो ट्रेड है ना, ये कोई भी ट्रेड हो एक्स वाई जेड, वो 150 से 200 घंटों का सिलेबस होगा। देखो मैं आपको बता दूं, ये क्लास कभी भी यूट्यूब पर चलाई नहीं जा सकती, आप तो सोचिए 30-35 घंटा होता मैं चला देता, फिजिक्स होता चला देता, लेकिन ट्रेड जब 150 से 200 घंटे जानी है नहीं चल सकती, इसलिए आप बिना कुछ देरी किए हुए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे जाके ट्रेड का बैच ले लीजिए। वैसे दाम 699 है, लेकिन मैंने बोल रखा है कि जो भी बच्चा डिस्काउंट लेना चाहे उसको डिस्काउंट दे दीजिए ना। नंबर ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, 6393-125-760। ट्रेड के बैच की खास बात क्या है कि इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और मैं दावा करता हूं कि 75 में से आपको पासिंग नंबर तो मैं दिलाऊंगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पास ना कर सके, इस बात का दावा है मेरा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी क्लास मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में ही मुझे बताना कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या जाने वाला है। हाँ मैं इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, इसकी पीडीएफ बच्चों मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, डबल कॉलम में करके मैं निकलवा के डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का सब लोग नाम नोट डाउन कर लीजिए, पाठशाला रेलवे एग्जाम, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।